अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश में 20 दिन बारिश हुई, ओले भी गिरे और आंधी भी चली। इतना पानी बरसा कि अप्रैल में बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड टूट गया। छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, सिवनी और सीहोर में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बारिश ओले की वजह से अप्रैल में दिन का टेम्परेचर 43 डिग्री के पार नहीं पहुंच सका। मई में भी तेज गर्मी, हीट वेव, बारिश और ओले का दौर रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्र ने बताया कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज रीवा, शहडोल, खंडा में 42 डिग्री के आसपास तापमान है। 10 तारीख के बाद ही मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश के आने वाले दिनों में गर्मी तेज पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश का टेम्परेचर 47 डिग्री के पार पहुँच सकता है। मतलब सिस्टम विंड डिसकंटिन्यूटी की वजह से काफ़ी बारिश मिले थे मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों पे। अभी वो सिस्टम मतलब जा चुका है। अभी आने वाले एक दो दिन में टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। आज देखा गया तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आया खरगोन, खंडवा वो रीजन में 42 के पास आया और रीवा में भी 42-43 रेंज में आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये 2-3 दिन में टेम्परेचर यही कंडीशन में रहेगा, थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखेगा। और दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रही है 4th से, मतलब हमारे रीजन में थोड़ा सा उसका असर रहेगा। तो मई 5th, 6th, 7th में मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जगहों पे बारिश और थंडरस्टॉर्म दिख रही है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर में मतलब जो बढ़ोतरी रहेगा वही रेंज में रहेगा, शायद थोड़ा गिरावट का भी चांसेस है। और ओवरऑल देखा गया तो मध्य प्रदेश का एक्सटेंडेड रेंज की फोरकास्ट के हिसाब से देखा जाए तो 10 तारीख के बाद ही मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों पर अधिकतम तापमान